आज 6 तारीख है और आज आपको संजय राउत का लेटेस्ट बयान भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा कहानी को पीछे से देखने की कोशिश करते हैं कि किसने ऐसा क्या कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार इतनी तिलमिलाई हुई है, इतना उसको गुस्सा आ रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन है कि एक एक्ट्रेस पे, एक लड़की पे, एक औरत पे इस तरीके से खुला पब्लिक में, मतलब दुनिया आपको देख रही है और आप कह रहे हैं कि वो हरामखोर लड़की है। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आप, एक पॉलिटिशियन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, और महाराष्ट्र जैसे जगह पे जहाँ पे यहाँ की इतनी बढ़िया हिस्ट्री है और छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आप आते हैं, और तो उसके बाद नए जमाने में देखा जाए तो बाला साहेब ठाकरे की धरती से, तो शर्म नहीं आई एक बार भी? मतलब अगर उत्तर प्रदेश में कुछ जायज़ भी होता है तो आप वहाँ से बैठे बैठे कमेंट्री करते हैं कि आपको ये गलत लगा, लेकिन आप अपने ही राज्य में किसी महिला को लाइव टेलीविज़न पे गाली देते हैं। और आज आप क्या कहते हैं मैं बताता हूँ, आज इनका लेटेस्ट का, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ। बहुत अच्छी हिंदी है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? खैर, कंगना रनौत बहुत समय से चर्चा में, 2-3 वजहों से इसलिए हैं और महाराष्ट्र का गुस्सा इसलिए है कि महाराष्ट्र सरकार का, कि उन्होंने मुंबई पुलिस, मुंबई प्रशासन पर उंगली उठाई और उनकी नाकामयाबी रही कि जांच सीबीआई को चली गई, तो एक बहुत गंदी छवि पैदा हुई और कंगना को बहुत बड़ा इसका श्रेय जाता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन के पास पहले से था, उसके बाद इन लोगों के जो बयान आने शुरू हुए मुंबई में आने को लेके, तो वो लड़की क्यों ना है पहली चीज़, और हमारा भारत का संविधान, उसने पूरी आज़ादी दी हुई कि आप कहीं भी जाएं, ट्रैवल करें, बस सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, तो ये कौन होते हैं रोकने वाले? और संजय राव जी से कुछ कहना चाहता हूँ मैं, और जिस तरीके से लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आप देखिए आपने किसको हरामखोर कहा है और जनता किसको हरामखोर कह रही है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ जनता के हाथ में पावर होती है और जनता आपको इलेक्ट करके बैठाती है। अगर जनता डिसाइड कर ले कि हरामखोर कौन है तो जनता आपको जवाब दे देगी कि कौन हरामखोर है और कौन महाराष्ट्र का गौरव है। ठीक, तो अब ये पर्टिकुलरली आपको चुनाव में दिखेगा जब आप वोटों के लिए भीख मांग रहे होंगे और जनता कहेगी कि हरामखोर कौन है। कोई नहीं, हरामखोर सॉरी कोई नहीं, राज जी जोक्स अपार्ट, अब पहले चलो कंगना का भी ट्वीट सुना देता हूँ। एक सेकेंड, कंगना का लेटेस्ट का जो ट्वीट है, 2 ट्वीट है, बता देता हूँ। पहले तो कंगना ने कहा, किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है, और मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है और हम सब इनके समर्थन में खड़े हैं। मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि मैं कंगना के समर्थन में हूँ। फिर कंगना रनौत का दूसरा ट्वीट है, इनकी औकात नहीं है इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई हो, मैंने इस्लाम डोमिनेट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दाव पे लगाया, शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पे फिल्म बनाई, आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो किया क्या है महाराष्ट्र के लिए। कंगना रनौत के ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए वो जनता अपने आप समझ जाए पढ़ के, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस, उसके पीछे का बैकएंड की चीज़ें अगर आप कुछ समझने की कोशिश करें कि अगला इशारा किस तरफ कर रहा है और ये चीज़ बोलने की नौबत कैसे आई। शिवसेना ऐसा नहीं कि पहले पावर में नहीं थी, भाजपा के साथ भी थी तो थी, लेकिन अभी की जो स्थिति है कि पावर के लिए शिवसेना ने किस तरीके से कांग्रेस के सामने झुकना एक्सेप्ट किया, सीएम पद के लिए क्या क्या नहीं किया, जोड़ तोड़ के कैसे भी करके सरकार बना ली, उसके बाद जो पालघर में हुआ, जिस तरीके से पुलिस की नाकामी दिखी, लापरवाही दिखी, फिर सरकार की लापरवाही दिखी,
फिर सुशांत के केस में जिस तरीके से सरकार और पुलिस की लापरवाही दिखी, तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला तो फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं निकलेगी। और इनकी इंसल्ट ये भी ताज़ा ताज़ा ही हो रही है, बाला साहेब पे ठाकरे में या इससे पिछले टर्नों में फडणवीस के टाइम में कभी शिवसेना पे एक उंगली नहीं उठाई और पूरे गर्व से शिवसैनिक रहते थे, शिवसेना पार्टी की बहुत सम्मान था। मतलब मैं शिवसेना का मतलब सिर्फ बाला साहेब ठाकरे समझता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर वो नहीं थे तो उनकी छवि आती थी कहीं ना कहीं से, छवि मतलब उनके बेटे में नहीं लेकिन शिवसेना के नाम में, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई चीज़ है। अब जब से ये सब हो रहा है तब से मुझे लग रहा है कि आज की शिवसेना, उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे, ये सब एक अलग अलग एंटिटीज़ हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि शिवसेना ने अब वो हर वो चीज़ करनी शुरू कर दी है जो बाला साहब ठाकरे नहीं करते, उनके सिद्धांतों के अगेंस्ट जाता है, और इसे वीडियो प्रूफ में है। अरे ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा मैं दुकान बंद कर दूंगा, मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना के कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अरे ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा मैं दुकान बंद कर दूंगा, मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना के कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। और अगर आप पावर में हैं, उस पावर का मिसयूज़ करेंगे तो आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं जब से आप इलेक्ट होके आए, और अब ये जनता को देखना पड़ेगा, चाहे इमरजेंसी में सरकार बदलनी पड़े तोड़ के, फ्लोर टेस्ट करके, या जैसे भी जो भी तरीके होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके होते हैं, या फिर समय का इंतज़ार किया जाए। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, महाराष्ट्र की इज्जत वापस नहीं आएगी, महाराष्ट्र का गौरव वापस नहीं आएगा। और हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, शिवसेना या बाला साहब ठाकरे, इनका फेस हमें उद्धव ठाकरे को ना मान के राज ठाकरे को मानना चाहिए। भले राज ठाकरे अलग हो गए हैं, उन्होंने अलग बना लिया वगैरह वगैरह, लेकिन राज ठाकरे, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस इंसान में बाला साहेब ठाकरे की झलक दिखती है। अगर जितने लोग एग्री करते हैं कमेंट में बता दें, उस इंसान के हाव भाव, विचार, बोलचाल, सब कुछ ऐसा लगता है कि असली बेटे वही हैं बाला साहेब ठाकरे। तो जिस तरीके से संजय राउत का विरोध चल रहा है ट्विटर पे, कंगना का सपोर्ट चल रहा है ट्विटर पे, ट्रेंड चल रहा है, एक चीज़ और चलाने की कोशिश करिए। एक तो ये वीडियो शेयर करिए ताकि महाराष्ट्र में पहुँचे, महाराष्ट्र की हिंदी भाषी जनता कम से कम समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, और इस सरकार को बदलने की कोशिश करें। आप एक चीज़ चलाइए और आप देख लीजिए क्या हैशटैग होना चाहिए, कि सरकार बदले, महाराष्ट्र में जो ये तिगड़ी है वो ख़त्म। जब तक सरकार नहीं बदलेगी, जब तक सत्ता पे बैठे हुए लोग नहीं हटेंगे, तब तक महाराष्ट्र अपनी उस स्थिति में नहीं आएगा जो वो डिज़र्व करता है। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।